कि हम पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं? अगर हिम्मत है राम माधव साहब, अब अपनी अपनी जो सबूत आपके पास है वो सबूत लेके लोगों की अदालत में आ जाइए, हम भी देखते हैं आप कहां पे खड़े हैं। ये भुजदली की सियासत आप मत करिए, बहुत देखा हमने आप जैसे लोग, शूट एंड स्क्रूट की सियासत, आप आते हो इल्जाम लगाते हो और पिछली पतली गली से खिसक जाते हो। हिम्मत है सबूत लेके आइए, नहीं तो माफी मांगिए, लोग देखेंगे आप में कितना दम है। अगर आप में इतनी हिम्मत है इल्जाम लगाने की तो सबूत देने की भी आपके आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अब शुरू में वैसे भी इतना ही कहना चाहता था, मैं अब आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लुक एट द मोस्ट इट विल बी मॉरल सपोर्ट। I am not a party to this, as I said. I mean, I am not a party to this because I did not provide any documentary support to the PDP. Documentary support would have been forthcoming. Documentary support would have gone today. But because the challenge is, if a challenge is to be mounted on the basis of Mehbooba Ji's letter to the governor, they are the ones who have to do this. As far as whether this will be, look, nobody ever suggested that we would be fighting elections today. This arrangement, this understanding was to protect the state from the current mess that we find ourselves in, from the uncertainty that we find ourselves in. I don't believe that National Conference, PDP and Congress fighting elections together will in any way benefit the state of Jammu and Kashmir. आपने खुद कहा कि horse trading हुई, कौन कर रहा था horse trading? गवर्नर साहब ने कहा कि पैसे इस्तेमाल हो रहे थे, कौन कर रहा था पैसे इस्तेमाल? गवर्नर साहब ने कहा कि ये जो पैसे हैं, हम जानना चाहते हैं ये पैसे आए कहां से, ये किसके बहस्त पे पैसे जो है यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे थे और कौन खरीदा जा रहा था ये। चलिए जो हुआ हमारे साथ, जो साजिश रचाई गई उसको हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन जो गवर्नर साहब ने खुद अपने प्रेस नोट में तस्लीम किया है कि यहाँ लोग खरीदे जा रहे थे, ये किसके बहस पे खरीदे जा रहे थे, कौन खरीद रहा था, पैसे कहाँ से आ रहे थे, इसका जवाब जो है यहाँ के लोग जो है उनको जवाब का हक है। History is full of ifs and buts. इसी चीज को देखते हुए मैंने उस वक्त मुश्किल फैसला लिया था दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। हमने अभी अभी उसी वक्त, आपको याद होगा, इलेक्शन हारा था और हमने सुनने में आया था कि क्योंकि उस वक्त बातचीत जो बीजेपी और पीडीपी की रही थी वो खुफिया बातचीत रही थी, लेकिन हमें खबर आई थी कि इस तरह के जो है तैयारियां की जा रही हैं, इस तरह का मूव जो है वो तैयार किया जा रहा था, और हमें उसी वक्त ये खतरा नजर आया। हमें मालूम था कि रियासत को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने सारी दुश्मनी, सारी चीजें एक तरफ रख के हमने कहा कि ना, रियासत के हित में हम हुकूमत में शामिल होना नहीं चाहते, हम आपसे कोई MLC, कोई चेयरमैन, कोई कुछ नहीं मांग रहे, आप सिर्फ अनकंडीशनल हमसे सपोर्ट ले लीजिए बीजेपी को बाहर रखने के लिए। काश जो हम कल करने जा रहे थे अगर 2015 में किया होता तो आज रियासत की ये पोजीशन नहीं होती, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। उस वक्त ऐसी कोई बात चली नहीं।